नमस्कार, राधे राधे, हरन महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सामंजस्य बनाने की राशि, सब कुछ मैनेज कर ले जाने की राशि, मैनेजमेंट की राशि, कन्या राशि। उत्तर फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र की एनर्जी लेके छायनी शक्ति है, हस्त स्थापना आगम्या शक्ति है, जिसको नॉर्मल लोग सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, वो काम करने के लिए आप बने। उदारता सरलता इतनी है कि घर में सुख शांति बने रहे, इसके लिए अपना हक का परित्याग कर देने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। सब लोग खुश रहें इसलिए अपने हक को छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि आप जितना छोड़ते जाते हैं लोग उतना ही आपके ऊपर चढ़ते जाते हैं, ये दुर्भाग्य है। तो आप मैनेजमेंट की राशि में मैनेज कर ले जाते हो। जिस दिन आप मैनेज करने आते हो तो कैसे 370 धारा हट जाता है लोगों को पता नहीं चलता। जो लोग कहते थे कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, कन्या राशि वाला आया, झंडे में डंडा लगा के पकड़ा दिया, पकड़ के बैठो। तो जिस दिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल परेशानियों को दूर करने के लिए करेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो परेशानी दूर ना कर दे। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप उन्हीं को दूर कर दोगे। तो ये गुण लेके आप चलते हैं। तो आपके जीवन में जो गुरु महाराज वक्री हुए हैं, वो गुरु महाराज क्या फल देंगे, आज हम इस वीडियो पर इसी बात की चर्चा करेंगे। चर्चा आरम्भ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। आप बुद्धिमान लोग हैं, आपसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप जो है घर में संघर्षों से गुजर रहे हैं, संघर्षों को लेकर चल रहे हैं। जीवनसाथी के द्वारा क्रिएट किए हुए जो वातावरण है उससे आप झेल रहे हो। राहु और गुरु दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, तो रोज़ नई चिकचिक हो रही है, रोज़ परेशानी हो रही है। या वक्री गुरु परेशानी को ही दूर कर देंगे, वक्री गुरु परेशानी को दूर करने वाले हैं, बोलेंगे ठीक है यार हटा देते हैं, क्या परेशानी से ही ख़त्म कर देते हैं। तो या तो परेशानी ख़त्म कर देंगे या आपको हटा देंगे। तो स्थानांतरण का योग बन रहा है, क्या स्थानांतरण का योग बन रहा है। गुरु महाराज सदैव जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपने एक राशि का पहले राशि का पहले घर का फल देता है, तो गुरु यहाँ सप्तम भाव का फल देंगे। तो यहाँ पे किन्हीं न किन्हीं कारणों से परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो रही हैं और व्यापारिक रिश्ते जो है आपके अच्छे हो रहे हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु की सप्तम जो दृष्टि है वो धन भाव पर है, तो कुछ भी हो गुरु धनात्मक रूप से आपको थोड़ा मजबूत बनाएंगे, पैसे गुप्त तरीके से कमाएंगे। और आप विदेश जाना चाहते हैं, आप विदेश का सफ़र करना चाहते हैं, तो यह गुरु आपके विदेश के सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा सफलता देने वाले हैं। तो आप चेक कर लें, अगर आपको इस समय विदेश जाने का मौका मिले तो विदेश में जाके बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर रहे हैं, खासकर वो देश जो जिनका धरातल भारत के धरातल से नीचे है, ठीक, जिनको हमारे यहाँ पाताल की संज्ञा प्रदान की गई है, उन देशों में जाके आप झंडा गाड़ सकते हैं। गुरु महाराज आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं और रिश्तों को लेकर चलने वाले हैं, अतः इन चीज़ों में आई हुई परेशानियों को गुरु महाराज दूर करेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वक्री होने मतलब अपने पिछले घर का, अपने पिछले अपने राशियों को ठीक करने के लिए। आप जा रहे हैं, अचानक आपको याद आया कि घर में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, या फला को मुझे काम देना है, फला को पैसा देना है, आप लौटे, फट से उनको बुलाया, टकाटक पैसे दिए, उनको समझाए और निकल गए। बस सिंपल सा यही प्रभाव गुरुदेव देने वाले हैं। वक्री ग्रह शास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपके जीवन में वक्री है तो अच्छा फल देगा, उच्च का है तो फल खराब हो जाएगा, नीच का है तो सुंदर फल हो जाएगा। इसलिए अपने बर्थ चार्ट को चेक करिए, बर्थ चार्ट में देखिए आपका ग्रह कहाँ बैठा है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। महादशा अंतरदशा चेक करिए कहाँ है, लेकिन फिर भी गुरु का वक्री होना श्रेष्ठ फल देने वाला है। इसके बाद गुरु मार्गी होंगे, उसके पहले आपके राहु सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में आएंगे रेवती नक्षत्र। रेवती धनदायक नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र में जब राहु आएंगे तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में यहाँ पे अलगाव भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ नवम्बर के बाद की। राहू का मतलब रहित कर देना, बोलेगा रोज की चिक चिक से चाय यार हट ही जाओ, रिश्ता ही ख़त्म करो, तो राहु रिश्ता भी ख़त्म करा सकता है नवम्बर के बाद। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में जब तक है ये परेशानी रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गुरु सप्तम भाव की चीज़ों को ठीक करेंगे, गुरु सुख की चीज़ों को ठीक करेंगे। गुरु की जो दृष्टि होती है ना, सदैव अमृत तुल्य दृष्टि होती है, गुरु अपने दृष्टि से अमृत बरसाते हैं। तो गुरु महाराज की इस समय जो पाँचवीं दृष्टि है
वो आपके व्यय भाव पे है। तो जो अभी आप खर्च कर रहे हैं ना, वो आपके मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, परेशानियों से दूर जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। ज्ञानात्मक ढंग से हैं आप, बेवकूफ़ नहीं है कि कहीं भी पैसा बेवजह लगा दें, लेकिन पैसा यहाँ पे धर्म के क्षेत्र में गुरु चाहते हैं कि आप खर्च करें। आप लोगों को खिलाने पिलाने के क्षेत्र में जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित हैं, उनको खिलाने पिलाने की कोशिश करें, तो पैसा आपका इस क्षेत्र में खर्च ही होगा। सूर्य नारायण सुग्रह यहीं चल रहे हैं, तो सही जगह आप उपयुक्त जगह पैसे लगाएंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव पे है, तो गुरु महाराज गुप्त तरीके से, क्या गुप्त तरीके से, ज़रूरी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि योजनाबद्ध तरीक़ा से काम करना जानते हैं, और योजनाओं में थोड़ी सी कमी क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते नहीं, हल्के में कह देते हैं और बाद में उसको इश्यू बनाते हैं। आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तब तक मत बताइए जब तक योजनाएं आपकी पूर्ण ना हो जाएं, वरना सफलता प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी हो रही है, वाणी से धन कमा रहे हैं, धनात्मक दृष्टिकोण से आप बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नवम दृष्टि गुरु महाराज की आपके भूमि भवन वाहन सुख पे है, तो वक्री गुरु भूमि भवन वाहन सुख का लाभ देंगे। वो जो जमीन आपकी पुरानी थी जिसको आप परचेस करना चाह रहे थे, नहीं परचेस कर पा रहे थे, तो यहाँ पे परचेस करते हुए दिखाई देंगे। आवासीय सुख कुछ आपका बन रहा था, बनते बनते रुक जा रहा था, तो यहाँ पे आवासीय सुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में माता की स्थिति या माँ से संबंधित कुछ कष्ट थे, तो माँ से संबंधित कष्टों का भी हरण हो रहा है। तो ये जो गुरु महाराज की गोचरी स्थिति है, 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक बेहतर परिणाम देगी। चलिए गुरु का थोड़ा सा आपको विजिटिंग कार्ड देके फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। तो गुरु महाराज 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक 118 दिन के लिए हो रहे हैं वक्री। उसमें जैसे आपको पता है गुरु स्टार्टिंग में तुला नवांश में है, और ये 3 अक्टूबर तक तुला नवांश में रहेंगे। 3 अक्टूबर के बाद अब आप तुला राशि नहीं, तुला नवांश में बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो नक्षत्रों पे आधारित है, और नक्षत्र में भी सिर्फ नक्षत्र ही नहीं, नक्षत्र नवांश पे आधारित है। हम नवांश तक की बात करते हैं, टू द पॉइंट। इतना डिटेल में वीडियो आपको अन्यत्र टू द पॉइंट शायद ही मिले, इसलिए अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हमारा सहयोग करना चाहिए, उन लोगों का सहयोग करना चाहिए जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं, आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तुला नवांश में गोचर करेंगे, तो गुरु क्या है, आपको धनात्मक स्थिति से मजबूत करेंगे। इसके बाद गुरु महाराज 3 अक्टूबर से कन्या नवांश में गोचर करेंगे। अब 3 अक्टूबर से अभी तक आप परिवार के लिए भागदौड़ कर रहे थे, समाज के लिए जी रहे थे, अपने लिए नहीं जी रहे थे। 3 अक्टूबर से आपका ग्रह बोलेगा यार किन निकम्मों के लिए जी रहे थे, जिनके लिए जी रहे थे वो तो तुम्हारे लिए रहो या ना रहो उनके लिए तुम्हारा वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारा वैल्यू ही नहीं है। अब तुम जिंदा हो तो ठीक है, नहीं जिंदा हो तो भी वो मस्त हैं। तो आप अपने ऊपर केयर करना शुरू करो, तो यहाँ पे ग्रह आपको अपने ऊपर केयर कराना शुरू बोलेगा, ठीक है वैसे भी जब तक आप हैं तो संसार है, वरना आपके मृत्यु के पश्चात लोग 9 दिन ड्रामा करते हैं, सिर्फ 9 दिन ड्रामा करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी उसको कहाँ कितना मिल जाए, इसके बैंक से अकाउंट से पैसे कितने निकाल लें, कौन सी प्रॉपर्टी हम लिखवा लें, इस पे फोकस करते हैं। 1 साल बाद आपको भूल जाते हैं, आप थे भी कोई मतलब नहीं है। 6x6 की फ़ोटो लेके लोग फूलमाला टांग देते हैं जब भी मौका होता है, कभी कभी टाल देते हैं, बस इतने से ज़्यादा कोई औकात नहीं है। इसलिए काया राखे धर्म है, अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप हैं तो संसार है, तो औरों को छोड़िए अपना ध्यान रखना शुरू करिए। यहाँ पे 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपके गुरुदेव कन्या नवांश में चल रहे हैं, बेहतर परिणाम मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बन रही कि ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी यात्रा। देखिए हम जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें अनवांटेड मिलती हैं, नहीं चाहते, हमारा मन नहीं करता कहीं दूर जाने का, तो यहाँ पे दूर देश की या दूरस्थ यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, जो कि थोड़ी सी आपके परिवेश के अनुकूल, आपका जो प्रकृति है उसके अनुकूल नहीं होंगी, फिर भी आपको करनी पड़ेंगी। तो यात्रा में सावधानी बरतें। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, जो ये 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक का मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, यहाँ पे सावधानी के साथ आपको यात्रा करनी चाहिए। रेड कलर के कपड़ों का परित्याग करके, रेड कलर के वाहन का परित्याग करके चलिएगा, ठीक है। 27 नवंबर को ये कर्क नवांश में गोचर करेंगे,
मेष राशि में गोचर करेंगे, उसमें भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, लेकिन 27 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ पद में गोचर करेंगे, जिसको बोलते हैं कर्क नवास। देखिए ये सारा चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ ना ज्योतिष सीखते चलिए। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कुछ लोग ज्योतिष का काम करें, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप अपनी कुंडली अपने से देख सकें, इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। हर छोटी चीज़ के लिए आप ज्योतिषी के पास मत जाओ, जब बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तब उसके लिए पास जाओ, इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप सीखते चलिए। तो जैसे कर्क नवांश का फल लेके गुरु चलेंगे तो आपके आय के स्रोत में वृद्धि कर देंगे, पिता से धन लाभ, बड़े भाई से धन लाभ, सरकार से कुछ, आपका सरकार से पैसा फंसा हुआ है तो उसको वापस करने की कोशिश करेंगे। 31 तारीख को फिर 31 दिसंबर को यहीं पर गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो पुनः सही रास्ते पर आना शुरू हो जाएंगे। तो गुरु की पंचम दृष्टि व्यात्मक है, इसलिए आपको धर्म के लिए, लोगों के कल्याण के लिए व्यय करना है। सप्तम दृष्टि धनात्मक है, परिवार कुटुंब इन सब पे आपको बैलेंस करके चलना है। नवम दृष्टि सुख के घर पे है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलने की पूर्ण संभावना है। आपकी कुंडली में गुरु यद्यपि मार्केश हैं, लेकिन सुख के स्वामी हैं, मूल त्रिकोण राशि सुख के घर में, अतः गुरु को मजबूत करिए। पीला पुखराज बिल्कुल मत पहनिएगा और राशि पे तो स्टोन बिल्कुल पहनिएगा ही नहीं, पहले लगन चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपकी मेष राशि है, मेष लगन है कन्या राशि है, मैं आपको पन्ना बोलता हूँ, पन्ना पहनते एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। मकर लगन है कन्या राशि है, आपको मैं पुखराज पहनने के लिए